अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। हम लोग को अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट का जो फर्स्ट टेंस था दैट इज़ अ पास्ट इनडेफिनेट टेंस वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। सो द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड ऑफन कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं जो कि पास्ट में शुरू होता है, ठीक है, एंड बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो जारी रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है। सो ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए वहाँ से कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है और हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस के रूल्स को फॉलो करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होते हैं, वॉज एंड वर्ब। पास्ट इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बट जब हम उनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जो के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग डिड को यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। या अगर आप इन जनरल बात करो तो पास्ट इनडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, ठीक है। बट पास्ट कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वॉज एंड वर। सो अगर आप सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वॉज एंड वर, साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे या फिर इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी भी बोलते हैं, एंड एट द एंड आप लोग ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो कहा कि दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वॉज एंड वर्ड। सो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वॉज किस सेंटेंस में लगाना है और वर्ड किस सेंटेंस में लगाना है? तो वॉज हम उस सेंटेंस में लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में आई ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि हम लोग अपने सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं वो सब्जेक्ट अगर ही शी इट आई या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करोगे, ठीक है। बट अगर आपका हेल्पिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो यू दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे आप वॉज यूज नहीं करते हो बल्कि वर यूज करते हो, ठीक है। हम हॉकी खेल रहे हैं, हम वुई, ठीक है, प्लूरल है ना, तो वी वर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट साथ हम लोग वॉज वर यूज करते हैं और नॉट ऐड कर देते हैं बिकॉज नेगेटिव है, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर प्लस आई एन जी और एट देन ऑब्जेक्ट। हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वॉज और वर, जो कि पहले आप मिड में यूज करते थे सेंटेंस के, वॉज एंड वर स्टार्टिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। क्या हम हॉकी खेल रहे हैं? वर वी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। सो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है क्लास। और वन थिंग मोर कि आपको जो मैं टेंसेस करवा रही हूँ ये आपकी जो इंग्लिश बी की नोटबुक्स हैं उनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो कल जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट करवाया था वो भी, एंड आज वाला पास्ट कंटिन्यूस भी, ठीक है। सो ये जो मैं लेक्चर जो वीडियो बना के आपको सेंड करती हूँ ये भी आपने अपने कॉपीज में करना है, और इसके साथ जो मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ कुछ और जो एग्जांपल्स होती हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है।